ऐसा लगता है कि वो भूल गया है हमको कि अब उसका खत या कोई जवाब नहीं आता। हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ, मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों सेलेक्टेड 9534 में से अब जो है लगभग 8,500, 8,700 समथिंग लाइक दैट। और आप सभी के आमद की प्रस्तावना भी हो चुकी है, पत्र भी आ चुके हैं, आवंटन भी हो रहे हैं, जल्दी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे बीच में तमाम अलग अलग और चीजें भी काफी उफान पे हैं, कोई किसी पार्टी के दफ्तर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्विटर पे जा रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, और इन सब चीजों के बीच में आप सभी लोगों ने भी एक ट्विटर कैंपेन का फैसला किया। जो भी इसके शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे ये शिकायत है कि हमें भूल गए, हमें बता दिया होता कि आपको एक कैंपेन करना है तो शायद हम आपके लिए कुछ कर पाते, हमें सूचना नहीं थी कि आप लोगों ने कोई ऐसा प्लान किया है और ना ही हमें किसी ने बताया था और हम भी अपने कार्य में बिजी थे जिसकी वजह से। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने जो भी किया है अच्छा किया है, ये ट्रेंड जितना भी हुआ हो अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन एक बार ऐसी चीजों के लिए एक बार बताया जाएगा तो मैं भी आपकी हेल्प जरूर कर पाऊंगा, हालांकि ये आपका फैसला है। चलिए बात करते हैं। देखिए तमाम पक्ष हैं, एक तो यह है कि आपके जो लेटर है वो आ चुके हैं और उसको लेकर के अब इन सारी चीजों को लेकर के आप लोग भी कहते हैं कि आप कुछ बताते नहीं, अब इसमें क्या बताना है। अब तमाम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और आपका काम चल जाता है तो आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको सुनना अच्छा लगता है तो हम आ जाया करेंगे बीच बीच में। देखिए आमद की प्रस्तावना हो चुकी है, कोर्ट के तमाम केसेस की वजह से तमाम चीजें हो रही हैं, लगातार बातें बढ़ाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मैं एक बड़ी गूढ़ बात बताता हूं तुम लोगों को, पॉलिटिसाइज करके इस भर्ती को और सुरक्षित कर देंगे ये लोग, तुम लोग इसके लिए टेंशन मत लो। जब भी विपक्ष ने ज्यादा पॉलिटिसाइज किया है इसका इसके लिए सरकार उसे अपने नाक का सवाल जरूर बनाती है हर मुद्दे को, और वो भरचक प्रयास करती है। और इस मामले में तो कुछ बहुत बड़ा है भी नहीं जिसको लेकर के कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो भी प्रूफ है, जो भी एविडेंस है, जो भी कोर्ट केस की बात है, अनबल कोर्ट ने उसको सब कुछ देख लिया है, लगातार फ्रेश रीट, अनफ्रेश रीट, लिस्टेड केस, सब में वही सेम बातें रखी गई हैं। उसके बाद भी अनबल कोर्ट ने जो है अपना जो है एक पक्ष उनको नहीं दिया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं। हाँ, मतलब प्रेशर कोर्ट के आदेश का हमेशा होता है, लेकिन कोर्ट अपनी तरफ से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है, मतलब उसकी नजर में मामला जो है इतना ज्यादा सीरियस नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की आमद जो प्रस्तावित की गई, देखिए मैंने बहुत काफी दिनों से मैं आपको एक बात बोलता आ रहा हूं कि सारी डेडलाइन एक तरफ और इलेक्शन एक तरफ, इतनी बड़ी भर्ती है, सरकार इसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं उठाएगी। और आने वाले समय में मैंने आपको वीडियो बताया भी था, आप लोगों को याद होगा कि भाई कुछ भी हो इलेक्शन तो इलेक्शन होते हैं और सरकारें सरकारें होती हैं। लेकिन इसी बीच में एक और चीज मैं देख रहा हूं कि तमाम साथी जो है ना शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं, कहीं किसी को जाके गालियां दे रहे हैं। देखिए वो कुछ भी नहीं, जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप बोल रहे हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। और आप एक सब इंस्पेक्टर, इस बात को याद रखिएगा कि वो कुछ भी नहीं है, वो फेलियर्स हैं। और मतलब उसमें जो लीडर है उनका स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, 80 नंबर से 90 नंबर, 100 नंबर का आंकड़ा लोग पार नहीं किए, और वो उनसे आपका क्या कॉम्पिटिशन है और उनसे आपको क्या बात करना है, उनका तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक करियर के पीक पे हैं, अब आप गवर्नमेंट के हिस्से हैं, आप मेडिकल करा चुके हैं, डीबी करा चुके हैं, तो आप अपने शब्दों की मर्यादा रखिए अधिक, और उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, प्रक्रियाएं अपने हिसाब से सुनिश्चित हो रही है, और आप जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद कीजिए कि आपको 12 से 15 के बीच में इसी महीने लेटर्स वगैरह डिस्पैच होने की सूचना मिलने लगेगी, और आपको मिलने लगेगा ये सारा खबर, आपको लेटर वगैरह भी मिल जाएंगे, और इस बार पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, फुल पेमेंट मिल रहा है। तो आप इस मस्ती में रहिए, ना कि किसी बेवकूफी में रहिए, और कोई ऐसी बेवकूफी मत कीजिए जिससे कि बाद में आपको दिक्कत हो। दूसरी बात आ गई, एक और चीज है कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है कि सेकेंड लिस्ट आए, क्योंकि तमाम याचिका है और तमाम उसमें केस है और बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद शायद ये भर्ती को और बढ़ा करके आगे दे दिया जाए एक बार और 2024 में इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए, 3,500 का पद बना दिया जाएगा, और इससे भी एक बड़ा फायदा होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो दरोगा के नए बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ना कि इन सारी चीजों पर ध्यान दें, ये उनके लिए बेहतर होगा, ये है। और जल्दी आपको उसकी सूचना भी मिल जाएगी, जैसे ही अब देखिए ये लोग मार्च में चले जाएंगे, और उसके बाद आपको अप्रैल मई के आसपास में आपको नोटिफिकेशन दरोगा का फिर से देखने को मिल जाएगा नए पदों का। तो ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए, और जो सिलेक्टेड है थोड़ा चिल रहिए,
कुछ भी ऐसा वैसा मत कीजिए, शांति से आप सब, बाकी आप सब समझदार हैं, मर्जी है आपकी, मिलता हूँ, प्रणाम।